अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं काशी, जो तुम सोच रही हो बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? हमारे कुछ कहने से पहले ही छोटे पेशवा ने खुद ही अपना राज खोल लिया। गंगा, पेशवा सरकार, मिलिए छोटे पेशवा से। हमारा और आपका बेटा, ये हमारा बेटा है। बिल्कुल तुम पर गया है। देखिए तो राम, हमें पूरी रात रुलाता है और अब आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। सच तो यह है कि यह सब करते वक्त मेरे दिल में एक ख्वाहिश है अपने संतान की। क्या ऐसे पल और ऐसी खुशियां हमारे घर में आ सकती है? नहीं नहीं काशी, माफ कर दीजिए हमें राहु, हमें आप जब बुंदेलखंड के लिए निकल रहे थे तब हमें पता चल गया था कि हम गर्भ से, लेकिन हमने वो बात आपसे छुपाई। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने अपने लिए नहीं किया है राम। हम तो अकेले थे जिन्हें आपकी जरूरत थी, लेकिन वहां बुंदेलखंड में, वहां तो पूरा बुंदेलखंड आपका इंतजार कर रहा था। पूरे बुंदेलखंड को आपकी जरूरत थी, हमसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने सुख से आपको वंचित रखा, आपको बताया नहीं। सबसे पहले अपनी संतान का, अपने बेटे का आप मुंह नहीं देख पाए, माफ कर दीजिए। नहीं काशी, अब मैं क्या ही कहूं तुमसे? तुम मुझसे माफी मांग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या माफ करूंगा? तुम्हारा यह त्याग मेरे तमाम युद्धों से बढ़कर है। राज, मेरी गोद में ये जो अनमोल निशानी तुमने दी है, उसका तो कोई मोल लगा ही नहीं सकता काशी। देखो तो कैसे कसकर मेरी उंगली पकड़ ली है इसने। तो मैं तलवारबाजी सिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज बनाऊंगा, बाजीराव से भी बड़ा योद्धा बनना तुम, ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने राव, बिल्कुल आप ही पर गया है। देखना, खिलौनों से पहले तलवार उठाएगा ही। आपको एक बात बताएं, हमने एक सपना देखा था जहां आप युद्ध करके लौट रहे हैं, घोड़े से उतर रहे हैं और हमें गले लगा रहे हैं कस के। फिर उसके बाद हम ऐसे ही इसे आपके आपकी गोद में दे रहे हैं, और फिर आपके कान में
हमने जो नाम सोचा है वो कहकर हमारे सपने में ही इसका नामकरण भी कर रहे हैं। तो चलो अपना सपना पूरा करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा नामकरण का हक किसी और के पास नहीं है। इतनी आसानी से इतना बड़ा अधिकार दे दिया आपने हमें, कोई लड़ाई नहीं कुछ नहीं की। पहला बेटा है, पहला नाम है, आप रखेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे आप हमसे। अरे बाप, आपके जैसा पति मिलना तो सच में भाग्य की बात होती है। राव प्रेम प्यासे नैना, यही तो नाम मैंने भी सोचा था काशी, यही नाम मेरे मन में आया था। अरे राव, हम तो तब से बोले जा रहे, आपकी बात तो सुनी ही नहीं, बताइए आप क्या कह रहे थे। मैं काशी के पास जाऊंगा, उसे मनाऊंगा और जल्दी लौटूंगा तुम्हें लेने के लिए। आप भूल गए ना? हाँ, इसको देखकर सब भूल गया मैं। ये भी अच्छा है, बेटे के आने के बाद ही अपनी पत्नी की पेट भूल गए आप, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन हम बहुत खुश हैं आप हमसे एकांत में मिलने आए, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन राहु, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे ये खत्म होगी रेत, वैसे वैसे हमारे धैर्य का बांध टूटता चला जाएगा। जल्द ही लौटिएगा। चलते हैं। जिनकी राह देख रही हो ना, वो तो गए अपने घर। बस इसी बात का डर था मुझे कि अपनी पत्नी को देखेंगे और उसका पल्लू पकड़ के चल देंगे। तुम शायद भूल रही हो, हम भी उनकी पत्नी हैं। अरे दूसरी पत्नी? पहली दूसरी ये नहीं जानते हम। हम बस अपने बाजी को जानते हैं, अपनी मोहब्बत को जानते हैं। उन्होंने वादा किया है हमसे, वो जरूर आएंगे। पेशवा बाजीराव बल्लाल की जय! 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 वादा किया है और जो ना आए तो मतंग। वो राह देख रही है, उसी से गए थे, उसी से लौटेंगे। वाह, इतना भव्य स्वागत, जरूर यह तैयारियां तुमने की होगी। हमारे अलावा और कौन करेगा राव? 7 महीने से यही तो कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा और आपके स्वागत की तैयारियां। ना जाने ये क्षण हमने अपने मन में कितनी बार देखा होगा कि इस जयकारे के बीच आप अपने बेटे के साथ वाड़े में कदम रख रहे हैं। इतने आसानी से नहीं काशी भाभी, पहले उखाड़ा लो तभी पेशवा सरकार अंदर जाएंगे। जैसे दिन के साथ रात है, वैसे ही काशी के हाथ में बाजी का हाथ है।
बीबी चलो बंदर चलो, आसपास बहुत जंगली जानवर घूम रहे होंगे। तुम अंदर जाओ, हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। खूब चाल। बाजी भाऊजी, अब आप भी लो ना उखाना। अरे नहीं नहीं रखना भाई, आज रहने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं पेशवा सरकार, पहले उखाना लो पेशविन भाई के नाम से, तभी अंदर जाने देंगे। और उखाने में प्यार दिखना चाहिए अपने पेशविन भाई के लिए। वो शब्द मैं तुमसे कह सकता हूँ जो तुम सुनना चाहती थी। हाँ मस्तानी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लीजिए ना उखाना। अरे इंतजार तो अंदर चलकर भी कर सकती हो ना। मतंग, हमने कहा ना तुम जाओ। पर मेरी जान, ये तो पागलपन हुआ ना। इस पागलपन को मोहब्बत कहते हैं, और हमें अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मैं पृथ्वी, वो चांद है मेरे जीवन में, यही काशी का स्थान है। बीबी चलो अंदर। वैसे पृथ्वी के पास भी केवल एक ही चांद है, हमारे प्रेम की तरह। ये तो ठीक है काशी भाभी, चांद तो जरूर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन पृथ्वी का मन तो सूर्य के लिए भटकता रहता है ना। तो क्यों बाजी भाऊ, यहाँ अपने चांद को छोड़कर किसी सूरज के पीछे मत भागना। विवाह हमारे धर्म का सबसे पवित्र स्तंभ है रखमा भाई। पेशवा के विवाह को लेकर ऐसा ओछा मजाक अत्यंत निंदनीय है। पेशवा का चरित्र जनता के लिए आदर्श है, उनका चरित्र जितना उज्जवल होगा जनता पर संस्कार भी उतने उज्जवल होंगे। पराई स्त्री की बात भी धर्मपत्नी को दुख देती है और प्रजा को भी। स्त्रियों को हंसी मजाक भी मर्यादा में रहकर ही करनी चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, पेशवा बाजीराव की, पेशवा बाजीराव की, पेशवा बाजीराव की, पेशवा बाजीराव की। पेशविन भाई खुश लग रही है, तो क्या इन्हें अभी तक मस्तानी के बारे में बताया ही नहीं। ईश्वर करे अपने बेटे को देखकर पेशवा सरकार ने अपना इरादा बदल दिया हो। चिमा स्वस्थ नजर आ रहे हो। धन्यवाद भाव। वैसे भाव आपने बड़ी देर लगा दी इस बार। युद्ध तो पहले समाप्त हो चुका था, तो फिर बुंदेलखंड में किस बला ने रोक लिया। वैसे राजा शत्रसल ने युद्ध के मूल्य को चुकाने में देरी कर दी क्या? हमने सुना कि उन्होंने दिल खोल कर आप पर अपनी जागीर और धन लुटाया है ना। ऐसे धन के साथ साथ और क्या मिला? चिमा
एक हिंदू राजा को दूसरे हिंदू राजा की मदद बिना मूल्य से करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह था कि उनको मूल्य चुकाना पड़ा और हमारी आर्थिक स्थिति यह थी कि हमें मूल्य लेना पड़ा। वैसे हिसाब किताब लगाना हमें शोभा नहीं देता। वैसे आई कहाँ पे, नजर नहीं आ रही है। हाँ वो नाराज है आपसे। नाराज? हाँ वो आपसे बात भी नहीं करेंगी। क्यों? आपकी आई है, आप स्वयं जाकर पूछ लीजिए। धैर्य रखना मस्तानी, मैं जल्द ही आऊंगा। नामकरण का अधिकार माता पिता का थोड़ी ना होता है, वो तो बुआ का होता है। हाँ सासुमा, भीउबाई को न्योता भेज दिया गया है लेकिन अनुबाई को नहीं भेजा अब तक। ठीक किया, वैसे भी अनुबाई काशी को पसंद नहीं करती, उसके आने से कोई लाभ नहीं। अच्छा किया। लेकिन मालकिन, बड़ी तो वही है ना। एक बार कह दिया ना अनुबाई नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आई क्या हुआ है? आप मुझसे नाराज हैं? जीत कर इतने दिनों बाद लौटा हो फिर भी। तुम तो हमेशा जीत कर ही लौटते हो बाजी, लेकिन इस बार जीत के बावजूद तुम्हारा सर झुका हुआ क्यों है? जब जंग जीत कर आते हो तब चेहरे पर एक तेज होता है, लगता है बुंदेलखंड के पानी ने तुम्हारे चेहरे के सारे रंग उड़ा दिए। काशी भोली है बाजी, तुम पर उसकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए वो देख नहीं पा रही। लेकिन मैं माँ हूं तुम्हारी, 9 महीने कोक में पाला है तुम्हें, सब समझती हूँ मैं बाजी। कुछ तो बात जरूर है जो मेरा बेटा सबके सामने नहीं कह सकता, इसलिए काशी को इस तरह अकेले में बुलाया। गलत हूं मैं? नहीं आई, आप क्या कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो डर है वो देख सकती हूँ मैं बाजी। कुछ तो बात जरूर है, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, काशी मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी, मेरे पोते की माँ है। अगर उसे जरा सी भी ठेस लगी तो देख लेना। बदल तो आप गई है, लेकिन ये बदलाव अच्छा है मेरे लिए। मैं जानना चाहता हूँ काशी ने ऐसा क्या किया जो आप उसे बहू नहीं बेटी मानने लगी। वो तो हमेशा से ही करते आ रही थी, मैं देख नहीं पा रही। पेशवाई को बचाया है उसने बाजी, तुम नहीं समझोगे। और जिस तरह से बचाया है तब से मेरा मन अपने आप बदल गया, इसलिए फिर से कह रही हूं, काशी बहू नहीं बेटी है मेरी। अगर उसके दिल को जरा सी भी चोट पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मस्तानी, मस्तानी, बीबी मान भी जाओ, अब अंदर चलो। मौसम के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, आ जाने दो। बीबी लगता है तूफान भी आने वाला है, आ जाने दो। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, इस मौसम में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर है, कभी भी कोई शेर या चीता हमला कर सकता है,
हम यहीं रहेंगे जहां वो हमें छोड़कर गए हैं। काशी और तुम सुखी रहो, साथ रहो। तुमने सही कहा था मतम, हमारा युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। एक परिवार रहो बाजी।